Hello friends, I am Ashok Kumar and I welcomed all of you on our channel Step Up Classes Chopta. I am going to teach you in grammatical English. Before starting our lecture, you all are requested to subscribe our channel Step Up Classes Chopta and also please press the bell icon to receive our videos regularly. So friends, मैं आपको articles पढ़ाने जा रहा हूँ. आर्टिकल्स पढ़ने से पहले आपको डिटरमाइनर्स के बारे में जानना जरूरी है. थोड़ा सा, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन डिटरमाइनर्स के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में डिटरमाइनर्स किसको कहा जाता है. डिटरमाइनर्स एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन से पहले प्लेस होता है, नाउन से पहले लगाया जाता है, और नाउन से पहले लगा आने के बाद वो नाउन को बताता है कि व्हाट नाउन रेफर्स टू, कि ये नाउन किस लिए, किसके लिए, कैसे आया है. जैसे मान लो, आप जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं. डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है. आर्टिकल्स हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं. मैंने लगाया द बुक और फिर मैंने कहा अ बुक, ठीक है दोस्तों. ये दोनों की रेफरेंस बदल देता है. जब मैंने बुक अ बुक कहा तो अ बुक का मतलब होता है कोई एक किताब, कोई भी एक किताब. द बुक कहा तो कोई पर्टिकुलर किताब की बात करता है. डेमोन्स्ट्रेटिव, ये भी हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं. जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक, मैंने कहा दिस बुक, ठीक है, इसने क्या बताया, यह किताब, उस किताब के बारे में कुछ खास जानकारी देता है. फिर होता है प्रोनाउन और पोजेसिव डिटरमाइनर्स. मैंने कहा माय बुक, ठीक है. ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं. डिटरमाइनर्स के अंतर्गत मैं आपको आज आर्टिकल्स पढ़ाने वाला हूँ. आर्टिकल एक थोड़ा सा वाइड चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन पेपर में इससे रिगार्डिंग बच्चों को सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है. तो मैं आज आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से पढ़ाने वाला हूँ. इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आता होगा. तो हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स की. आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए ए एन द, तीन होते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको कैटेगराइज किया जाता है दो भागों में. टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल. तो जब हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे ए और एन आते हैं, और जब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की तो हमारे इसमें द आता है. तो फ्रेंड्स, जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ाने वाला हूं. देखो, आप बचपन में जब छोटे होते थे तो उस टाइम आप जब पढ़ा करते थे आर्टिकल्स को, तो उस टाइम आपको एक बात कही जाती थी कि देखो, आर्टिकल जब आपने ए या एन पुट करना है तो आप ये देखोगे, यदि अगर आपका कंसोनेंट आता है तो आप ए इस्तेमाल करोगे, वोवेल आता है तो आप एन इस्तेमाल करोगे. वो छोटे छोटे बच्चों को इसलिए बताया जाता है इस तरह से क्योंकि उन्हें साउंड्स का ध्यान नहीं होता. एक्चुअल में जब हम बात करते हैं ए और एन की, तब हम कंसोनेंट या वोवेल की बात नहीं करते, बल्कि हम साउंड्स की बात करते हैं. ए हमारा वहां पर इस्तेमाल होता है जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, प्रोनंसिएशन करते हैं, और उस समय हमारी जो साउंड है वो कंसोनेंट साउंड होती है. और एन का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पे हमारी साउंड जो है वोवेल साउंड होती है. फॉर एग्जाम्पल, तो आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक है. तो मैं बात कर रहा था इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की. ए और एन कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम बात करें इनडेफिनेट. इनडेफिनेट और डेफिनेट में जो फ़र्क है वो ये है कि जब आप डेफिनेट की बात करते हैं तो डेफिनेट, जैसे आप लोकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं ना, कल आएगा यार, तो आप कहते हैं यस डेफिनेटली मैं आऊँगा, यानी हाँ पक्का होता है वो, ठीक है, वो डेफिनेट होता है. इनडेफिनेट का मतलब ऐसा होता है जिस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, जिसके बारे में आप अनजान होते हो, ठीक है. तो वो उस जगह पे हम इनडेफिनेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं. हम बात करते हैं जब इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा, एक ऐसी चीज़ के साथ जिस
के बारे में फिलहाल आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। साधारणतया कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी, ये जो कोई भी शब्द है, ये जब कोई भी कहीं पर आता है तो उसी के लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा प्लीज़ पास अ चेयर, मैंने कहा प्लीज़ पास अ चेयर, एक चेयर का मतलब यही होता है कि कोई भी एक चेयर पास कर दो। क्या आप किसी एक पर्टिकुलर चेयर को पास करोगे जिसकी मैंने बात की? नहीं, हमारे सामने कुछ चेयर्स पड़ी हैं और आप कोई भी एक चेयर उठाओगे और मुझे मेरी तरफ पास कर दोगे। लेकिन अगर यदि मैं बोल देता हूँ प्लीज़ पास द चेयर, उस केस में पता है क्या होगा? आपको पता होगा कि मैं कौन सी चेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप वही चेयर पास करोगे जिसकी मैंने बात किया। हो सकता है वहाँ पे 100 चेयर्स पड़ी हों, लेकिन आप 100 में से ऐसे नहीं है कि गए और कोई भी चेयर उठा के ले आए। आपको उस समय ये पता होगा कि सर ने कौन सी चेयर की बात की और मुझे भी पता होगा कि मुझे कौन सी चेयर मांगनी है, इसीलिए मैंने वहाँ पे द लगाया। जैसे आपको पता है कि मैं कहता हूँ प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, द लाइट कहते थे टाइम हम द क्यों इस्तेमाल करते हैं? द का इसीलिए प्रयोग किया गया क्योंकि आपको पता है कि मेरे द कहते ही, द लाइट कहते ही आप वही लाइट बंद करोगे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने कहा होता प्लीज स्विच ऑफ अ लाइट, उस केस में आप पता है क्या करते? उस केस में आपको एक ही काम करना था, आप उठते और किसी भी एक लाइट को, हो सकता है वहां पे 5-7 लाइट्स ऑन थी, और किसी एक लाइट को ऑफ कर दोगे। तो कोई भी के संदर्भ में जब आप बात करते हो तब उस केस में आर्टिकल ए या एन लगाते हो। तो हम बात कर रहे थे उसके बाद आर्टिकल ए और एन कैसे लगाया जाता है, कहां पर हम ए लगाएं, कहां पर हम एन का इस्तेमाल करें। मैं बात कर रहा था कंसोनेंट साउंड और वोवेल साउंड की। सबसे पहले तो आपको कंसोनेंट साउंड पता होनी चाहिए। कंसोनेंट साउंड ये होती हैं जो हमारा ए बी सी डी यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर इनकी जो साउंड है, ये हमारे 5 वोवेल होते हैं, इनकी साउंड को छोड़कर, इनकी साउंड मतलब जो हमारी हिंदी भाषा के स्वर हैं ए आ से लेकर औ तक, ये जो हमारी साउंड है इस साउंड को छोड़कर बाकी जितनी भी हमारी साउंड आने वाली है, ठीक है, कह खे गए से लेके यह क्षेत्र अज्ञ तक जो भी हमारी साउंड आएगी, हमारी ध्वनि आएगी, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ ए, और हमारी वोवेल साउंड हो तो एन, ठीक है। तो हम यही बात, मैं आपको यही इन एग्जांपल्स के थ्रू समझाने वाला हूं। सबसे पहले देखो आपके सामने हॉर्स लिखा हुआ है, जब आप हॉर्स को प्रोनंसिएट करते हो, सबसे मेन जो बेसिक चीज है आर्टिकल्स के लिए, आपको प्रोनंसिएशन आनी चाहिए। अगर आपको किसी वर्ड की प्रोनंसिएशन एग्जैक्टली नहीं आती है तो आप आर्टिकल जो इंडेफिनेट आर्टिकल है सही ढंग से पुट नहीं कर पाओगे। तो पहले आपके लिए प्रोनंसिएशन मस्ट है। तो हम बात कर रहे हैं हॉर्स की, हॉर्स की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है ना, देखो ये ह है, ह एक हमारा क्या है, व्यंजन है यानी कंसोनेंट है, कंसोनेंट है, तो आप यहां पर क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे। इसकी बात करते हैं जब हम इसको बोलते हैं तो ये क्या बोला जाता है, आवर। ये हमारा क्या है, कंसोनेंट नहीं, ये हमारा एक वोवेल है, वोवेल है, तो यहां पे आप क्या पुट कर दोगे, एन। फिर हम बात करते हैं इसकी, कुछ बच्चे इसको हॉनर बोल देते हैं, हॉनर, हॉनर लगाने से आप पता है क्या करोगे, हॉनर लगाने से यहां पे ए पुट कर दोगे, लेकिन हॉनर जो है ये हॉनर नहीं बल्कि ऑनर होता है, ऑनर, ऑनर है तो आपको पता है ऑनर है तो हमारा एन आएगा, क्योंकि हमारा जो साउंड है वो हमारा साउंड किस चीज का है, वोवेल का। इसको देखो कुछ बच्चे इसको भी हॉनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट, जबकि हॉनेस्ट नहीं होता बल्कि ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है तो इस किससे पहले हमारा आर्टिकल एन आएगा। ये देखो ये क्या है, हालांकि हमारा शुरुआत में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, हमारी जो अल्फाबेट है वो यू है, यू एक हमारा वोवेल है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि सबसे पहले वोवेल है या कंसोनेंट है, हमें ये चीज तो देखनी नहीं है, हमें देखनी है उसकी साउंड क्या है। इसकी साउंड जो है यह है, जब इसको बोला जाता है यूनिवर्सिटी है, तो हमारी साउंड यहां से ना होकर बल्कि यहां से होगी, यानी कंसोनेंट से होगी, कंसोनेंट है तो हमारी यहां पे क्या आ जाएगा, ए यूनिवर्सिटी। देखो आपने ए यूनिवर्सिटी पुट किया क्योंकि कोई भी एक यूनिवर्सिटी की बात करें, फिलहाल हमें नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी, दुनिया जहान में सैकड़ों अरबों
लाखों यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी रही होगी। हम इस यूनिवर्सिटी को देख के बता नहीं सकते कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वन आइड मैन। वन आइड मैन, आपने वन ये ओ देखा, ओ हालांकि वोवेल है तो, लेकिन हम यहां पे एन तो नहीं पुट कर सकते, हमें देखनी है इसकी प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन व से शुरू होती है, व एक कंसोनेंट है, कंसोनेंट है तो यहां पे ए आ जाएगा। फिर से हमारा देखो, यहाँ पे वोवेल इस्तेमाल किया गया है, वोवेल है तो क्या हुआ, इसकी प्रोनंसिएशन तो यू से है, यूरोपियन है, यूरोपियन है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। यूनिट ए, यूनियन ए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि जैसे अगर उनसे पूछा जाए कि ईयर से पहले क्या आएगा, ए या एन, वो कहेंगे ठीक है सर, अगर आप बात कर रहे हो प्रोनंसिएशन की, प्रोनंसिएशन के हिसाब से यहाँ पे एन आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप ये प्रोनंसिएशन लेके चलते हो तो ऑब्वियसली एन आएगा, लेकिन नहीं, आपके जो प्रोनंसिएशन है वही गलत है, तो यहाँ पे एन कैसे आ सकता है, यहाँ पे आता है ए। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोनंसिएशन ईयर नहीं होती बल्कि ईयर होती है, इसकी प्रोनंसिएशन जो वो है वो ईयर होती है, इसीलिए यहाँ पे आप आर्टिकल जो है गलत पुट करते हो। ऑरेंज ओ, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन ऑरेंज। देखो एम, ये जो एम है ये है हमारा क्या, कंसोनेंट है, कंसोनेंट है तो इससे पहले आप क्या पुट कर सकते हो, ए पुट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको कहा है साउंड, यानी आप किस चीज की साउंड इस्तेमाल करते हो, जब इसको बोलोगे तो ये एम लिखा जाता है, एम बोला जाता है। सबसे पहले हमारी जो साउंड पैदा होती है वो हमारी साउंड होती है वोवेल की, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, NMLA। लेकिन यदि अगर ये फुल फॉर्म में लिखा होता मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये क्या होता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो मेंबर है, ये कहां से शुरू होता, म से, और म एक कंसोनेंट है, इस केस में हम एन नहीं बल्कि इस केस में ए इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करते हैं एफ ओ, एफ ओ, तो ये भी कहां से बोला जाएगा, एफ ओ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन। लेकिन यदि ये फुल फॉर्म में लिखा होता फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर लिखा होता, तब हम यहां पे क्या कर देते, एन नहीं, तब यहां पे ए आ जाता, क्योंकि इसकी प्रोनंसिएशन जो है हमारी फ से शुरू हो रही है, फ से, फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। जैसे एक आपके सामने कई बार ये शब्द आपने देखा होगा, ठीक है, जब यदि आपको इसकी प्रोनंसिएशन नहीं पता तो आप एग्जैक्टली नहीं बता पाते यहाँ पे ए लगाऊं या एन लगाऊं। कुछ बच्चे इसको इवे बोल देते हैं, कुछ इव्यू बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन होती है वो होती है यू, यानी ये मादा भेड़ के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, मादा भेड़ को कहा जाता है यू, तो इससे पहले यदि यू है तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे ए आएगा। इससे पहले कि मैं आपको ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ाऊं आर्टिकल्स के, जैसे आपको पता है एसएससी बैंकिंग और जो हरियाणा वगैरह एचएसएससी, खास करके एचएसएससी में जो ये आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है, तो इससे पहले मैं आपको रूल्स पढ़ाऊँ कि कहाँ पर कैसे क्या क्या लगता है, कौन सा आर्टिकल प्लेस होगा, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है हमारे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखो काउंटेबल, जैसे कि आपके आपको नाम से ही पता चल रहा है, काउंट यानी गिनना, ठीक है, अनकाउंटेबल ना गिनने योग्य, यानी एक ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं, ऐसे जो नाम होते हैं जिनको आप काउंट कर सको, ठीक है, गिनती कर सको, एक दो तीन चार पाँच इस तरह से गिनती कर सको, उसको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे मान लो आपके सामने बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज को आप गिन सकते हो, काउंटेबल है, ठीक है। चेयर्स लिखा हुआ है, चेयर्स को आप गिन सकते हो, काउंटेबल है, ठीक है। आपके सामने पेन पड़े हैं, पेन को गिन सकते हो, काउंटेबल है, यानी दुनिया की हर वो चीज जिसकी गिनती की जा सकती है उसे काउंटेबल कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको मापा या तोला या कुछ और पैरामीटर में बताया जा सकता हो लेकिन उसकी गिनती नहीं हो सकती, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे मिल्क, मिल्क को गिन सकते हो कि आज मैं एक दूध लेके आया, आज मैं दो दूध लेके आया, नहीं गिन सकते ना, तो ये मिल्क जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे बिजनेस, बिजनेस को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते,
ठीक है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे हमारा वोटर नहीं गिना जा सकता, वर्क नहीं गिना जा सकता। देखो गिनने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कह दो कि आज मुझे एक काम हो गया, आज मुझे दो काम हो गए हैं, ये कोई गिनना नहीं होता। आपने किसी को कहा आज मुझे एक काम है, मेरे दो बिजनेस चल रहे हैं, देखो वो कोई सापेक्ष रूप नहीं होता, बिल्कुल सामने आपको दिखाई नहीं देता। देखो जब मैं आपके एक बॉयज की बात करता हूँ, एक बॉयज, तो आपको पता है ये एक बॉय, ये दो बॉय, ये तीन बॉय, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन आप बिजनेस की बात करते हो तो एक दो तीन में आप नहीं कर सकते, उसका कोई रूप नहीं होता एक दो तीन का, ठीक है। तो वो उस चीज को हम गणना में नहीं ले सकते। वर्क हो गया, लगेज हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ये जो जितने भी नाउन हमारे होंगे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उसको अनकाउंटेबल कहा जाता है, जिसको गिनती की जा सकती है उसको काउंटेबल कहा जाता है। हाँ एक चीज ध्यान रखना, स्टार्स ये काउंटेबल है बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चे कह देते हैं जी सर काउंटेबल कैसे हो गए, क्योंकि स्टार्स तो गिने नहीं जा सकते। देखो गिने नहीं जा सकते इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नहीं गिन सकते तो वो काउंटेबल नहीं हो। बच्चे मान लीजिए बच्चे खड़े हैं, बहुत सारे बॉयज खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं, एक लंबी लाइन खड़ी है, ठीक है, मैं उसको कहाँ तक गिन सकता हूँ, शायद मैं 50 लड़के देख पा रहा हूँ या 60 या 70 या 80 या 100 लड़के देख पा रहा हूँ, मैं गिन सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सिर्फ वहाँ तक, उससे आगे मैं उनको नहीं गिन पाऊँगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अनकाउंटेबल हो गए? नहीं, वो हैं तो काउंटेबल, लेकिन मैं नहीं गिन पा रहा उनको। मैं उनके साथ साथ चलता जाऊँ तो मैं सबको गिन लूँगा। वैसे ही स्टार्स होते हैं, आपने सप्तऋषि गिने होंगे, ठीक है, और कुछ ओरियन या कुछ इस टाइप के नाम्स होते हैं जिनमें 28 तारे हैं, किसी में कितने तारे हैं, गिने हुए हैं ना, तारे तो गिने हुए हैं, ठीक है, उनकी 10 की पावर 14 15 ऐसे करके बताया जाता है। वो क्यों बताया जाता है, क्योंकि वो काउंटेबल हैं, आपकी आंखें उनको नहीं गिन पाती, हम उन तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए उनको अनकाउंटेबल नहीं बना देना है। आप देख सकते हो कि ये एक तारा है, आपने 9 ग्रह कैसे गिन लिए, क्योंकि उन्होंने आपको 9 ग्रहों का पता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का मतलब यही होता है। हाँ हेयर्स जो होते हैं हमारे, ये अनकाउंटेबल है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल्स की बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज से पहले हम जब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इसके रूल्स, तो रूल्स देखने के लिए प्लीज़ ज़रूर हमारी अगली वीडियो को देखिएगा, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।